फिरोजाबाद के शकोवाद में 13 अक्टूबर की रात को 42 टन 180 किलोग्राम सरियों से भरा हुआ 22 साइड ट्रेलर यानी कि बड़ा ट्रक ड्राइवर लेकर जा रहा था, तभी बिना नंबर की बोलेरो कार में सवार 7 बदमाशों ने ट्रक को रोक लिया और चालक को बंधक बनाकर ट्रक को छीनकर माल सहित लेकर फरार हो गए। वहीं जब ट्रक चालक ने थाना फरिया में इसका मुकदमा लिखवाया तो SSP ने तत्काल प्रभाव से SOG की टीम और थाना फरिया पुलिस को बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। SOG की टीम और फरिया थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों से सारा माल बरामद भी कर लिया गया है। 4 बदमाश अभी इसमें फरार हैं, जिनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं SSP फिरोजाबाद ने बताया, गुड्डू नाम का चालक सरिया लेकर विशाखापट्टनम से एटा जा रहा था, तभी शुकावाद ओवरब्रिज पर बदमाश बिना नंबर की बोलेरो कार से उसे रोक लेते हैं और ड्राइवर को बंधक बनाकर एक गांव में छोड़ देते हैं और ट्रक लेकर फरार हो जाते हैं। हमारी टीम ने तत्काल प्रभाव से काम करते हुए 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे माल भी बरामद कर लिया है। और कितने लोग गिरफ्तार हैं? ये देखिए, बहुत सनसनीखेज तरीके से जो रात बीती है, इससे पहले वाली रात में ये गुड्डू अपना ट्रक लेके आ रहा था विशाखापट्टनम से, 38 टन सरिया लाद के भारत स्टील की ले जा रहा था मेरठ सिरसा सिकोहाबाद में। ये लोग उसको ओवरटेक करके गाड़ी लगा करके उसको दबोच लेते हैं गाड़ी में और ट्रक को लेके चल देते हैं। ये गाड़ी इनकी बोलेरो थी, एक गाड़ी इनके पास जाइलो थी। कुल 14 लोग थे ये लोग आपस में, जिसमें 3 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। 5 अभी सूचना मिली है कि वो पिरगुआ में गिरफ्तार हो गए हैं, जो जाइलो से उनको बैकअप दे रहे थे और हमने बरामद कर ली है बोलेरो। फिर ये गाड़ी लेके चलते हैं और हमको इसको ले जाके बांध के डाल देते हैं एक गाँव में, और ये बंध जाता है तो बता नहीं पाता है। इसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है, तो कल 4 बजे दिन में जैसे कैसे निकल के आता है बताता है, सूचना मिलती है, हमारी पूरी टीम इकट्ठे पहुंचती है, हमारे SPR CO और SO और SOG की टीम, हम लोग जो है 4 बजे की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। रात में 1 बजे तक हम लोग इसको पूरी माल 38 टन सरिया, 21 चक्के का ट्रक और उनकी बोलेरो पूरा बरामद कर लेते हैं। TMOL जी भाई आपके सामने, अनिल अतेंद्र और रवीश कुमार, बाकी इसमें अभी ये जो फरार हैं 5 और गिरफ्तार हो गए हैं बिलुआ एटा में, 6 अभी जो है फरार हैं, उनको हम लोग जल्दी जल्दी। आपराधिक इतिहास इन लोगों का 12 मुकदमे हैं इसके ऊपर, बिलुआ से HS है वहाँ का, जिला भदर है वहाँ से, भरपूर इतिहास है इनका, 7 अपराधी हैं। बहुत सफलतम कार्रवाई 7 घंटे में हमारी पुलिस टीम ने अंजाम